हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। तो यार आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ शॉटिंग टिप्स के बारे में, ठीक है। मतलब आप किस तरह से शॉट करेंगे तो आपका मैक्सिमम शॉट गोल होगा और आप किस तरह से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं गेम के अंदर, उसी टिप्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखेगा आप लोगों को सारा टिप्स समझ में आ जाएगा और आप अपने गेम प्ले में इंप्लीमेंट करके आप अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यार मैं टिप्स स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि शॉट कितने तरह का होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो शॉट है वो है पावर शॉट। पावर शॉट जिसमें कि हमारे हैमर आते हैं, थंडर, बुलडोजर आते हैं, ऐसे प्लेयर जिनके पास पावर बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसे प्लेयर का शॉट का रेंज जो है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से भी ऐसे प्लेयर का शॉट गोल होता है, ठीक है। और पावर शॉट में आपको क्या करना है, आपको बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। एक सीधा रेखा ड्रॉ करना है शॉट करने के लिए और ऐसे शॉट पे ही आपका शॉट गोल होगा। आप देखिए, बस यहाँ पे आप देखिएगा, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मैं हैमर को पास करूँगा शॉट करने के लिए और ये ले लिया मेरे हैमर ने। और देखो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा और ये देखो, ये शॉट और गोल। क्योंकि यार हैमर के पास पावर है, मतलब शॉट के साथ साथ पावर शॉट है, ठीक है। इसलिए आपको बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। शॉट का टाइप नंबर दूसरा है हमारा कर्व शॉट, ठीक है। तो कर्व शॉट ऐसे प्लेयर का शॉट कर्व होता है जिसके पास स्किल है, यानी कि फ्री किक टेकर, जो कि मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ फ्री किक टेकर के ऊपर। तो फ्री किक टेकर का शॉट ही कर्व शॉट होता है और उसमें आता है हमारे रेगुलर प्लेयर में प्रोड्यूसर, आर्किटेक्ट और सुपर प्लेयर में जिमर, मजिशियन, मार्क्समैन, हिटमैन, जिपकोविच, कंपोजर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर का शॉट के लिए आपको क्या करना है, एक कर्व लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। और आप जिस भी कॉर्नर पर गोल करना चाहते हैं, चाहे वो टॉप कॉर्नर पर हो या फिर बॉटम कॉर्नर पर हो, आपको बस एक कर्व लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है और आपका शॉट गोल हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा हमारे प्रोड्यूसर के द्वारा मैंने कर्व लाइन ड्रॉ करके गोल किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस बार हमारे स्किलफुल प्लेयर मजिशियन को दूंगा, ठीक है। मजिशियन को दूंगा, यहाँ पे लेफ्ट में है मेरे मजिशियन। और देखो मैं इसमें भी एक कर्व ड्रॉ करूँगा, खैर ये वाला तो गोल होगा ही। और ये देखो, ये भी गोल। अब बात करते हैं एडिशनल टिप्स की, ठीक है। तो एडिशनल टिप्स में सबसे पहले जब आपके रनिंग वाले प्लेयर को शॉट करने का मौका मिलता है कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे मेरे स्पीड स्टर को मिला है, तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, आपको हमेशा नीचे, एकदम नीचे, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर दीजिएगा और जूम करने के बाद एकदम नीचे शॉट मारेगा कुछ इस तरह से और आपका शॉट यार डेफिनेटली गोल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और जब कभी भी आपको कुछ इस तरह का शॉट करने का मौका मिलता है कि आपके शॉट गोल होने का चांस बहुत ही कम रहता है, तो उस स्थिति में आप ट्राई करो कि आप कुछ इस तरह से शॉट करो कि आपको एक कॉर्नर किक मिल जाए, ठीक है। और आप तो जानते हैं कॉर्नर किक मिलने के बाद आप डेफिनेटली अपने हेडर वाले प्लेयर को बॉल असिस्ट करेंगे और आपके हेडर वाले प्लेयर हेडर लेके बॉल को गोल कर देंगे। उन सब के अलावा हमारे पास स्कोर मैच में कुछ ऐसे प्लेयर भी होते हैं जिनका शॉट कर्व भी होता है और पावर शॉट हैमर की तरह सीधा भी गोल होता है, ठीक है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हमारे कुछ ऐसे प्लेयर जो कि रेगुलर प्लेयर में से हैं, मेनाक और प्रॉलर, और साथ ही साथ सुपर प्लेयर में से हैं हमारे सेडबर्ग, ठीक है। तो इन तीनों प्लेयर को बेस्ट स्ट्राइकर कहा जाता है क्योंकि यार इनका जो शॉट है वो कर्व भी होता है और सीधा भी गोल होता है, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर को आप डेफिनेटली स्ट्राइक पर ट्राई करो और आपका शॉट डेफिनेटली गोल होगा ही, ठीक है। अब यार जितने भी टिप्स मैंने बताए हैं उन सारे टिप्स को मैं एक गेम प्ले के रूप में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप देखिएगा कि अपने गेम प्ले में मैं किस तरह से इन सारे टिप्स को इम्प्लीमेंट करता हूं। तो ये है मेरा प्लेइंग 11, मैंने सारे के सारे स्ट्राइकर को लगा रखा है, ठीक है। प्रॉलर, मेना, प्रोड्यूसर, उसका स्पीड स्टर, हैमर, सारे के सारे प्लेयर को, और मैंने मैच स्टार्ट कर दिया है। तो पहला पास अगेंस्ट वाले प्लेयर ने किया है और ये मेरे प्लेयर ने बहुत अच्छा टैकल मारा था, पर उसके बावजूद यार बॉल अगेंस्ट वाले प्लेयर के पास ही, खैर कोई बात नहीं। और आप बस देखिएगा कि मैंने जितने सारे टिप्स बताए हैं उन सारे टिप्स को मैं किस तरह से गेम में इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। अब बस मुझे इंतज़ार है बॉल मेरे पास आने का, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो सारे टिप्स। ओके, यहाँ पे मेरे राइडर का बहुत ही अच्छा टैकल और मैं दूंगा यहाँ पे प्रॉलर को,
छोटा सा पास, पर यहाँ पे प्रोलर पहुँच नहीं पाए क्योंकि अगेंस्ट वाले प्लेयर काफ़ी नज़दीक थे उसके और वो असिस्ट करेंगे, पर यहाँ पे मेरे हैमर का बहुत ही अच्छा खासा हेडर के द्वारा डिफेंस और बॉल मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे राइडर, और राइडर से मैं राइट में दूंगा प्रोड्यूसर को, और मेरे प्रोड्यूसर, चलो ये मिल गया मुझे एक फाउल। ओके, अब यहाँ से मैं शॉर्ट पास करूँगा और एक बार बैक पास। अरे यार, ये मेरे प्लेयर को बहुत ही अच्छा टैकल अगेंस्ट के स्पीडस्टर के द्वारा, और यार बॉल मेरे हाथ से निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे प्लेयर का भी बहुत अच्छा टैकल, पर सामने वाले प्लेयर को मिल जाता है पेनल्टी, पर उसके बावजूद यार वो मुझे गोल नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, क्या बात है, प्रोड्यूसर ने मुझे कर दिया है गोल। खैर, अब मैं यार एक गोल से पीछे हूँ फिलहाल, ठीक है। अब बॉल मेरे पास है, मैंने पास किया है हैमर, और यहाँ से मैं दूंगा लेफ्ट में ट्रॉलर को, और असिस्ट कराऊंगा किसको दूंगा, एक बार बैक पास करता हूँ हैमर के पास, और यहाँ से एक बार अपने इंट्रूडर को देता हूँ, और ओके राइट में मेरे प्रोड्यूसर, ठीक है। और प्रोड्यूसर से मैं यहाँ से दूंगा हैमर को देता हूँ, हैमर खाली है, ठीक है। और अब देखो वो शॉटिंग टिप्स देखो, मैं यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे, और ये देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल यार ये वाला, और मैं मैच को कर देता हूँ 1-1 की बराबरी पे, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपसे गोल नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करो, ट्राई करो एक कॉर्नर किक आपको मिल जाए, ठीक है। और कॉर्नर किक पे आपने तो हेडर के लिए बॉल, हेडर के लिए हैमर को रखा ही हुआ है, और आपको क्या करना है, सीधा हेडर पे अपने हैमर को देना है और मैच को कर देना है फिनिश। अब यहाँ पे मेरे मेनाक बॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे ले जा रहे हैं, और ओके ये मैं पास करूँगा और मुझे मिल जाएगा एक पेनल्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर सेंटर में शॉट करता, ठीक है, तो मुझे लग रहा था या तो ड्रॉप हो जाता, और अगर ड्रॉप होता तो अगेंस्ट वाले प्लेयर के पास चल जाता, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में शॉट किया ताकि ये ड्रॉप होने के बाद भी मुझे एक कॉर्नर किक मिल जाए, और कॉर्नर किक मिलने के बाद मैं सीधा देता हूँ हेडर पे और मैच को ख़त्म कर देता हूँ यार। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।